सो ही गाइस एंड वेलकम बैक एज ऑलवेज। तो कैसे हो यार आप लोग, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस नए वीडियो में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे एक वर्सेस बैटल बिटवीन स्पेस पनिशर हल्क एंड क्ला। सो बिठाते इन दोनों हल्क के वर्जन्स को एंड देखते हैं कि कौन बाजी मारता है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्पेस पनिशर हल्क के ओरिजिन की बात करें तो ये हमें पहली बार दिखा था स्पेस पनिशर कॉमिक सीरीज में। इस स्टोरी लाइन में जो हल्क है उस पर भी कोई काबू नहीं कर सकता। इस स्टोरी लाइन में हल्क एक चार हाथ वाला ग्रीन मॉन्स्टर है और इस यूनिवर्स में इसे हराने वाला कोई नहीं है। और यहाँ तक कि उसने फैंटास्टिक फोर को भी मारा है, जिसमें द थिंग तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। इस अल्टरनेट रियलिटी 2149 में भी हल्क की ओरिजिन सेम है अर्थ 616 के जैसे। यहाँ भी ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट था जो कि गामा रेडिएशन पर रिसर्च कर रहा था, और तभी गामा एक्सप्लोजन से एक्सपोज हो जाने के बाद वो बन जाता है हल्क। स्पेस पनिशर हल्क की पावर्स की बात करें तो वो अपने यूनिवर्स का एक ऐसा बीइंग है जो कि अपने एनिमीज की मारे बिना छोड़ता नहीं। स्पेस पनिशर हल्क के पास हैं सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन सेंसेस। इसके अलावा वो स्पेस और पानी में भी सांस ले सकता है। इस हल्क के पास चार हाथ हैं और इसके अंदर का ब्रूस बैनर भी मर चुका है। इस यूनिवर्स में स्पेस पनिशर हल्क को गैलेक्टस से भी बड़ा थ्रेट माना गया है। स्पेस पनिशर हल्क के पावरफुल फीट्स की बात करें तो इसने अपने पावर से 6 कॉस्मिक वॉचर्स को निपटाया है, डेडपूल का सिर उखाड़ के स्पेस में फेंका है, सेबरटूथ को बूमर की तरह चबाया है। तो देखिए यार, क्ला हल्क का भी हल्क है, उससे ज़्यादा बड़ा, उससे ज़्यादा ताकतवर। ये तब बाहर आता है जब हमारा हल्क सैड हो जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लैक विडो जैसे हल्क बेपना मोहब्बत करता है, वो मर जाए या फिर इंजर्ड हो जाए, जिससे बैनर या फिर हल्क सैड हो जाता है एंड क्ला और पावरफुल बन जाता है। सो अभी हम बात करते हैं क्ला की ओरिजिन के ऊपर। इसकी ओरिजिन की बात करें तो XCC-1 के दौरान जब हीरोज़ का नाम कन्वर्ट हो गया था विलन्स में, तब कुछ सुपर हीरो सेम रहे थे, उसमें से एक था हल्क। पर ऐसा नहीं था, XCC-1 के वायरस ने क्ला को भी पावरफुल बना दिया था एंड हल्क का माइंड कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन जब एवेंजर्स रेड स्कल को मारने जा रहे थे, जब जार्विस आता है एंड वांडा अपने स्पेल से उसे दूर फेंक देती है, लेकिन जब हल्क उसे रोक देता है तब लूक केज उसे दूर फेंकता है एंड उससे कहता है कि अगर तुम रास्ते में आए तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। और तब हल्क सैड हो जाता है एंड वह बन जाता है क्ला, जो कि दी ऑल पावर हो जाता है एंड बाहर आ जाता है एंड हमारे सामने होता है क्ला। अभी हम बात करते हैं क्ला की पावर्स के बारे में। क्ला की पावर्स हर एक हल्क जैसी है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये एक हल्क से भी ज़्यादा डबल है। फॉर एग्जांपल डबल एग्रेशन, डबल रेज, डबल गुस्सा, डबल पावर और डबल साइज। एंड ये इवन ये हल्क के अपने दिमाग के जैसा यूज़ कर सकता है, ये नॉर्मली बात कर सकता है एंड अपनी फुल स्ट्रैटेजीज पे काम करता है ये बंदा। तो क्ला की पावरफुल फ्रीज जाने से पहले मैं आपको उसके रिगार्डिंग एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब क्ला सारे एवेंजर्स को हरा के एरिजोना में डिस्ट्रक्शन मचा रहा था, तब उसे रोकने नोवा आता है एंड क्ला उसे सिंगल पंच में नोवा को एरिजोना से पेरिस फेंक देता है। क्ला ने सारे एवेंजर्स को हराया, जिसमें थॉर, स्कारलेट विच और बहुत सारे सुपर हीरो शामिल थे। अब ये तो बात हो गई इनकी ओरिजिन, पावर्स, पावरफुल फीट्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे बात अटक जाती है कि कभी इन दोनों का मुकाबला हो गया तो इनमें से जीतेगा कौन भाई। अब ये फाइट दोनों हल्क की है तो ये फाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी चलेगी, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होगी, क्योंकि दोनों में से कोई इतनी आसानी से थकने नहीं वाला है। एक शेर है तो दूसरे यहाँ पे सवा शेर है। जहाँ स्पेस हल्क को देखने के लिए उसने फैंटास्टिक फोर को हराया है एंड वही क्ला ने एवेंजर्स को हराया है। लेकिन मुझे लगता है स्पेस पनिशर हल्क की जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसने फैंटास्टिक फोर को मारा है, दी वॉचर्स को मारा है, उसके दुनिया में उसे गैलेक्टस लेवल की थ्रेड भी माना जाता है। उसे अभी तक किसने हराया नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ स्पेस पनिशर हल्क की। उसके पास फोर आर्म्स है, क्ला ने एवेंजर्स को हराया है, नोवा को भी हराया है, लेकिन ये बात भी डिनाई नहीं कर सकते कि नोवा ने अपनी सेकेंड फाइट में नोवा ने उसे रस्सी से बांध कर रैप कर दिया था एंड अर्थ के बाहर जाके फेंक दिया था। वैसे कमजोरी स्पेस पनिशर हल्क की भी है कि वो सुपरसोनिक साउंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए सो हमारे क्ला के पास एक चांस है कि उसे थंडर क्लैप करके उसे इतना परेशान कर दिया जाए एंड फिर वो उसे तब हमला कर सकता है, यानी कि क्ला हमारा स्पेस पनिशर हल्क को परेशान करके उस साउंड से फिर परेशान करके उस पर हमला कर सकता है। इसके बाद भी स्पेस पनिशर हल्क के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि एक टाइम पर ब्रूस उसके फटे हुए सीने से निकल के पनिशर से बोलता है किल मी, और तब पनिशर ब्रूस को अपनी गन से शूट कर देता है। बट इससे
स्पेस पनिशर हल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर मरे हुए ब्रूस को अपने सीने में लिए निकल पड़ता है स्पेस में। अब इससे ये प्रूव हो जाता है कि ब्रूस के मर जाने से भी स्पेस पनिशर हल्क पहले जितना ही पावरफुल है, बट अगर क्लह के अंदर का ब्रूस बैनर मर जाता है तो क्लह भी मर जाएगा। सो गाइस, यही थे आज की हमारी वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी अ सुपर हीरो। Say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom.